पिछले वाले में हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। आज दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 36। देखो ये 36 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 18 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर हो गया 0। सो दिस 0 इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसके बाद 2 से 18 में डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स गया, अगेन वी गेट 0। फिर 2 से 9 में डिवाइड किया, 4 टाइम्स गया, द रिमाइंडर इज 1। 2 से 4 में डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर इज 0। 2 से 2 में डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर इज 0। 2 से 1 में डिवाइड किया, 0 टाइम्स गया, रिमाइंडर इज 1। सो दिस लास्ट वन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये सबसे इधर रहेगा, दिस ये सबसे पहले रहेगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो 100 100 और बेस हो गया इसका 2। तो ये हो गया एक और एग्जांपल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन इज सिमिलर। फिर डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में खाली हमको 16 का ध्यान रखना है और डेसिमल से बाइनरी में 2 का। इसी तरह से डेसिमल से ऑक्टल में 8 रहेगा, वो हम लोग बाद में करेंगे। इन दिस केस 16 इज यूज एज द डिवाइजर इंस्टीड ऑफ 2। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन। अभी हम लोग देख रहे थे डेसिमल टू बाइनरी, नाउ वी विल सी डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। देखो, फाइंड द हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23। बेस 10 मीन्स दिस इज योर डेसिमल नंबर, तो हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए तो 16 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 16 से 23 में डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया, दी रिमाइंडर इज 7। तो ये 7 हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मीन्स यहाँ पर ये हेक्स डिजिट हो गया। और जो 1 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 0 और रिमाइंडर इज 1। सो दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट हेक्स डिजिट, 17। तो 23 बेस 10 इज इक्वल टू 17 बेस 16। इसको वेरीफाई कर लो, 1 × 16 टू द पावर 1 प्लस 7 × 16 टू द पावर 0। सो इट इज योर 16 प्लस 7 मीन्स इट इज 23। तो ये हो गया हमारा हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23 बेस 10। टाइम पर ज्वाइन करो भाई तुम लोग, ऐसा है कभी लेट से ज्वाइन कर रहा है सब। इसके बाद एक और एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 41819 और ये बेस हो गया 10। देखिए 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे 41819 को। वन सेकेंड, तो 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे 41819 को। तो 16 2 जा गया हमारा 32 और 8 + 1 9 और 8 16 6 96 2 1 16 1 जा 16 और 5 9 में 16 3 48। तो रिमाइंडर हो गया 11। तो दिस 11 मीन्स इसका रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में हो जाएगा बी, बिकॉज ए इज फॉर 10 एंड बी इज फॉर 11। सो दिस बी इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट हेक्स डिजिट। फिर 16 से 2 6 1 3 को हम डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16 101 है, 16 6 जा 96 मीन्स 5 3 16 3 जा 48 रिमाइंडर इज 5। सो दिस इज योर 5। फिर 16 से 1 6 3 को डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16 और 0 हो गया, रिमाइंडर इज 3। सो दिस इज योर नेक्स्ट। नेक्स्ट 16 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 0 और रिमाइंडर हो गया 10। और 10 के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल में ए लेते हैं। सो दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट हेक्स डिजिट। इसका मतलब 41819 जो डेसिमल नंबर है उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा A35B इन हेक्साडेसिमल सिस्टम। A35B 16 मींस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करेंगे और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा लास्ट में रहेगा। डेसिमल फ्रैक्शंस मे ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू बाइनरी। The method is based on observing that a decimal fraction is expressed as a sum of negative powers of 2. अभी तक हम लोग इंटीजर फ्रैक्शंस इंटीजर्स को कर रहे थे, अब डेसिमल्स को करेंगे।
सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शन बाय टू वुड गिव द कोफिशिएंट्स ऑफ द नेगेटिव पावर्स ऑफ टू। देख लेते हैं एग्जांपल हम लोग। जीरो पॉइंट एट वन टू फाइव और इसका है हमारा बेस टेन, मीन दिस इज योर डेसिमल नंबर, इनफैक्ट इट इज डेसिमल फ्रैक्शन। सो इट कैन बी रिटन एज पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट टू फाइव प्लस पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव। पॉइंट फाइव मीन्स वन इंटू टू टू पावर माइनस वन, पॉइंट टू फाइव मीन्स वन इंटू टू टू पावर माइनस टू, एंड प्लस जीरो इंटू टू टू पावर माइनस थ्री, प्लस वन इंटू टू टू पावर माइनस फोर, दिस लास्ट वन इज जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव। फिर टू से हम इसको निकालने का तरीका देखते हैं। टू से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट एट वन टू फाइव को। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग, साउंड नहीं आ रहा है, किसको किसको साउंड नहीं आ रहा और किसी को साउंड आ रहा है? आ रहा है सर। इसका मतलब सुजीत तुम्हारा ही गड़बड़ है, और लोग साउंड सुन रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा सिस्टम में ठीक नहीं है, उसको फिर से रीज्वाइन करो। अब देखो नेक्स्ट टू से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाता है 1.625। तो इंटीजर फ्रैक्शन हटा देंगे तो 1 प्लस 0.625, तो ये जो इंटीजर फ्रैक्शन है दिस विल बी योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा आफ्टर बाइनरी पॉइंट। फिर जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अगेन वी विल मल्टीप्लाई विथ टू एंड गेट 1.25। तो 1.25 में 1 हो गया हमारा इंटीजर पार्ट और 0.25 फ्रैक्शन पार्ट हो गया। फिर 2 से 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 0.5, मींस 0 प्लस 0.5, सो 0 इज योर इंटीजर पार्ट। फिर 2 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी योर 1। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम लिखेंगे 1101 मींस 0.1101 और बेस 2, तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन 0.8125। देखो इसको यहाँ पे इलेबोरेट भी कर दिया है कि 2 इंटू 0.8125 को 1 प्लस 1 इंटू टू टू पावर माइनस 1 यहाँ हो गया, प्लस 0 इंटू टू पावर माइनस 2, प्लस 1 इंटू टू टू पावर माइनस 3, यहाँ पर भी उसको इलेबोरेट किया हुआ है। फिर 2 इंटू 0.625 करेंगे तो 2 इंटू विद इन ब्रैकेट 1 इंटू टू टू पावर माइनस 1, प्लस 0 इंटू टू टू पावर माइनस 2, प्लस 1 इंटू टू पावर माइनस 3, इसी तरह से यहाँ पर भी इसको इलेबोरेट कर दिया है। तो मेरा ख्याल ये क्लियर है आसानी से। तो तुमने देखा इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट करना, सिमिलर प्रोसीजर होगा। इंटीजर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना और उसके फ्रैक्शन को भी हेक्साडेसिमल में, और इंटीजर को ऑक्टल में करना और उसके डेसिमल को ऑक्टल में करना। हम लोग देखेंगे आगे कुछ और एग्जांपल्स में। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट इफ यू मल्टीप्लाई अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय टू, डेसिमल फ्रैक्शन को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, द इंटीजर पार्ट ऑफ द आंसर विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन। देखो डेसिमल फ्रैक्शन को टू से मल्टीप्लाई किए तो जो इंटीजर पार्ट आया इट इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द आंसर इज मल्टीप्लाइड बाय टू, जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.625 इसको फिर हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू ऑब्टेन द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी फ्रैक्शन। अब ये हमें वन मिला, दिस इज योर नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट। द प्रोसीजर इज कंटिन्यूड, हम इसको कंटिन्यू करते चलेंगे टिल द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज जीरो, जब तक हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वह जीरो नहीं हो जाता। देखो यहाँ पर हमारा लास्ट में 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1, हियर आवर फ्रैक्शनल पार्ट इज जीरो, तो तब तक करेंगे जब तक कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज जीरो, ये जीरो नहीं आ जाता है। द मेथड इज इलस्ट्रेटेड बिलो विथ एग्जाम्पल्स। देखिए कुछ और अच्छे एग्जाम्पल हैं, इनको देख लेना चाहिए। फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5625, बेस 10 है मींस इट इज योर डेसिमल नंबर। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0.5625 इनटू 2 आ गया 1.125। अब यहां पर इंटीजर पार्ट हो गया 1,
So this is your most significant bit. Fraction part 0.125. Again, we will multiply 0.125 by 2. So we get 0.25. Means here the integer part is 0. Multiply 0.25 by 2. So it is 0.5. Means integer part is 0. Multiply 0.5 by 2. So it is 1.0. So integer part is 1. Because here no fraction. So its binary equivalent will be 0.10012. This one is the most significant bit, and this last one is the least significant bit. Similarly, find the binary equivalent of 0.3. 0.3 को हमें 2 से multiply करना है. Product will be 0.6. Integer part हो गया 0. And this will be your most significant bit. फिर 0.6 into 1.2, it is 1.2. 0.6 into 2 हो गया 1.2. Integer part हो गया 1. Fraction part 0.2. 0.2 into 2 is 0.4, integer part 0, fraction part 0.4, 0.4 into 2 is 0.8, integer part 0, fraction part 0.8, 0.2 into 0.8 into 2, 1.6, integer part 1, and fraction part 0.6. Now 0.6 into 2 is 1.2, so it is 1. अब इसके बाद यहाँ से हमारा जो ये repetition हो जाएगा इधर से, we will get same thing 1001. Recurs beyond this point. इसके बाद हमें रिपीटेशन मिलेगा. सो 0.3 बेस 10 इज 0.0, यहां से शुरू करेंगे 1001 हो गया. अब इस सेकंड पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट है 1, वहां से रिपीटेशन हो रहा है. सो 1001, एक और स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए और बाहर 2 हो गया. इसका मतलब 1001 इज रिपीटेड, ये बार-बार आएगा हमारा. तो है ये हमारा डेसिमल, डेसिमल में है कि स्टॉप है 0.3 के बाद, बट इन बाइनरी इक्विवेलेंट स्टॉप नहीं है, कंटिन्यूटी है. दिस एग्जांपल शोज दैट द बाइनरी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मे नॉट टर्मिनेट. कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शंस टू हेक्साडेसिमल फ्रैक्शंस इज सिमिलर. सिमिलर है डेसिमल को हेक्साडेसिमल में. हम लोग 2 का यूज कर रहे थे बाइनरी के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए 16 यूज करेंगे. इन दिस केस वी मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन बाय 16. देख लेते हैं एक एग्जांपल. Find the hexadecimal equivalent of 0.5625 base 10 है, तो 0.5625 को 16 से multiply किए, product आ गया 9.000, so integer part is 9. और कोई fraction part हमें नहीं मिला, इसका मतलब इसका 0.5625 base 10 का hexadecimal equivalent क्या हो जाएगा, 0.9, और base हो गया 16. See another example, find the hexadecimal equivalent of 0.3 base 10. तो 0.3 बेस 10 का हेक्साडेसिमल, इसमें 16 से मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी 4.8. इंटीजर पार्ट हो गया 4, इसका मतलब हेक्स डिजिट विल बी योर 4. नाउ मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन पार्ट 0.8 विद 16, सो वी विल गेट 12.8. इंटीजर पार्ट इज 12, और उसका हेक्स डिजिट क्या हो जाएगा, सी, बिकॉज ए इज फॉर 10, बी इज फॉर 11, सी इज फॉर 12. फिर 0.8 आ गया, 0.8 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करो, 12.8, अगेन वी गेट इंटीजर पार्ट 12, हेक्स डिजिट हो गया सी. मतलब यहां से फिर अगेन वी गेट रीऑकरेंस, रिकर्स बियॉन्ड दिस पॉइंट. तो 0.3 बेस 10 विल बी 0.4, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, 0.4 सी 16. यहां पर एक ब्रैकेट लगा के भी इसको हम लोग स्टॉप कर सकते थे. तो दिस इज योर अनदर एग्जांपल. इसके बाद समरी है, ये समरी का तुम लोग ले लेना स्क्रीनशॉट. कुछ और समरी के पॉइंट्स हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग का आ जाएगा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन. तो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. किसी तरह का डिफिकल्टी अगर है, प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मुझे पूछ लो.